यहाँ पर लोगों का शोर शराबा बहुत कम है। कुदरत का यहाँ एक अनोखा संगम है। शाम का समय मधोशी का आलम है। मन में बसती एक सुरीली सरगम है। पर न जाने क्यों आँख मेरी नम है। इस दिल में थोड़ी सी खुशी थोड़ा सा गम है। कुछ अकेले तुम कुछ अकेले हम हैं। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड टू पैंगोंग लेक। This is exactly the place where a scene from Three Idiots was shot, and let me give you a 360-degree look of this place. This place looks amazing. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my side. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay. I don't think कि मैंने इससे पहले इतना ब्यूटीफुल लेक देखा है। मतलब हमारे उदयपुर में भी बहुत सारे लेक्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल भी है, बट इतना ब्यूटीफुल तो वहाँ भी नहीं, बिकॉज यहाँ पे स्नो कवर्ड माउंटेन्स है बैकड्रॉप में, और कुछ नॉर्मल माउंटेन्स भी है बैकड्रॉप में, और उसके आगे जो लेक है बहुत बहुत अमेजिंग है। और दूसरा ये कि द लेक चेंजेस इट्स कलर। कहीं पे ये थोड़ा ग्रेइश है, कहीं पे थोड़ा ग्रीनिश है, तो सब टाइप के इसमें कलर्स हैं। और इस टाइम पे वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है। क्लाउड से ऊपर स्नो कवर्ड माउंटेन्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लूइश और ग्रीनिश कलर हो गया है। यहाँ पे माउंटेन्स जो है, जो माउंटेन की पीक्स है, उसके ऊपर थोड़ा डार्क क्लाउड्स है, तो उसकी वजह से क्या है कि बहुत 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 फैबुलस लग रहा है। Now look at the sky. There are some intermittent clouds and then blue sky, some dark clouds. Sky is perfect. Lake is perfect. जितना बोलो इस जगह के लिए कम है ये, मतलब जितनी तारीफ करो उतनी कम है। लकीली सही टाइम पे पहुंच गए हम लोग, ज़्यादा भीड़ नहीं है, एंड वी हैव एम्पल ऑफ टाइम टू शूट एवरीथिंग वी वांट। तो गाइस मैं अपने अकॉर्डिंग जितने शॉट्स ले सकता था, जितने अच्छे से आपको दिखा सकता था, मैंने पूरा ट्राई किया है। एक तो हवा बहुत तेज़ है, तो थोड़ा सा आवाज़ के अंदर ऐसे खड़खड़ खड़खड़ ऐसा होगा, और मैं ऊपर से मेरे बैग में शायद मैं वो फर भी नहीं लाया, क्या कहते हैं उसको, बॉबकैट, डैट कैट, हाँ, तो वो भी नहीं लाया हूँ। तो बट ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज कर लो। I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise. That with you I feel alive. You'll be the last one I think about. Hey guys, good morning, and I woke up to this beautiful view. रात को बहुत 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 तेज हवाएं चली है और बहुत क्लाउडी हो गया था यहाँ पे पूरे पे, और अभी बजे हैं 8:15 कुछ, और मैं आया हूँ यहाँ पे एक लास्ट शॉट्स देने के लिए कि मॉर्निंग का व्यू थोड़ा अच्छा मिल जाए। एक खास बात भी बता दूँ आपको कि जब से मैं यहाँ लद्दाख में आया हूँ मेरे बम जम गए हैं। इतना ठंडा पानी आता है, बम की कुल्फी बन गई है। गाइस सो इट्स टाइम टू लीव पैंगोंग लेक, बट आई हैव टेकन सम गुड शॉट्स वेरी क्विकली, एंड लुक एट द व्यू जस्ट बिहाइंड मी। Can you see the mountains? Very beautiful. And अब क्या करें, अब बस जाने का टाइम हो गया, तो जगह को छोड़ने का मन नहीं करता। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी हो गई है कि मेरा जो मेन कैमरा है उसकी मेमोरी फुल हो गई है। नाउ आई हैव टू अरेंज अनदर मेमोरी कार्ड। So let's see if I could arrange time to go. So we are going back to Leh, Changla Pass होते हुए। और luckily जो मैंने अभी आपको पिछले उसमें बताया था कि मेरा मेमोरी कार्ड जो मेन कैमरा का उसकी मेमोरी ख़त्म हो गई है, बट एक जुगाड़ था मेरे पास और वो जुगाड़ चल गया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा जुगाड़। आपसे एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ। आज जब पैंगोंग लेक में मैं सुबह सो के उठा था तो मेरी बैक एकदम स्टिफ हो गई थी, नेक भी स्टिफ हो गई थी, बिकॉज जो मैट्रेस थी वो बहुत फर्म थी और इतनी फर्म मैट्रेस मेरी सोने की आदत नहीं, काफ़ी स्टिफनेस था, बट वो ठीक हो गया था। तो जब मैंने थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करी उससे सब ठीक हो गया था। बट मेन रीज़न यही है कि मैं EMS ट्रेनिंग लेता हूँ। EMS ट्रेनिंग आप भी लीजिए, इट्स बेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव टू योर बॉडी, बिकॉज EMS ट्रेनिंग में जो भी आपके मसल्स की जो स्टिफनेस होती है और आपकी बॉडी में अगर कोई कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है जॉइंट्स में, मसल्स में, तो वो चीज़ें ना EMS ट्रेनिंग से सही हो जाती है। तो EMS ट्रेनिंग मैं रेगुलरली ले रहा हूँ इन दिनों में। So guys, now I am at Changla Pass, world's third highest motorable pass, and it looks so beautiful. There's our national flag, guys. We are at Changla Pass. वैसे चांगला का मतलब पास ही होता है, तो अगर मैं Changla Pass बोलता हूँ तो मैं दो बार पास बोल रहा हूँ। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो यहाँ से निकलना ही सही है। जो लोकेशन है वो बहुत ब्यूटीफुल है और चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ हैं, तो I think we should get out of this place. चांगला पास के बाद मैं 2-3 मोनेस्ट्रीज़ गया, बट वहाँ पे भी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैं कुछ खास शूट नहीं कर पाया। और फिर डायरेक्टली मैं पहुँच गया रेंचो स्कूल, यानी कि जो 3 इडियट्स में दिखाया था वहाँ। So guys, हम लोग अब आ गए हैं 3 इडियट्स में जो रेंचो स्कूल बताया था, तो हम वही रेंचो स्कूल में आ गए हैं जो बड़ा फेमस है यहाँ पे लद्दाख में। तो हम हैं अभी रेंचो स्कूल में। लेट्स गो इनसाइड एंड सी कि यहाँ पे क्या क्या है। सो दैट्स द वॉल जहाँ पे लोग फ़ोटोज़ वगैरह और ये सब फन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो वो आइकॉनिक 3 इडियट्स की वो चेयर बनी हुई है बम वाली, एंड सेकंड उनका ऑल इज़ वेल वगैरह ये सब लिखा हुआ है। तो सो आई एम बैक इन लेह। मैं अपने होटल में आ चुका हूँ। इस बार मैंने होटल चेंज कर लिया, बिकॉज मुझे पिछली वाली होटल लेह वाली बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। स्टाफ का बिहेवियर अच्छा नहीं था, तो मैंने होटल चेंज कर ली है और ये बहुत अच्छी है। तो मैं आपको सबसे पहले रूम टूर दे देता हूँ क्योंकि वो मस्त है। तो गाइस ये है हमारा रूम अगले 2 दिन के लिए। ये है शार एरिया, यह हूँ मैं जिसको बहुत ज़्यादा टर्निंग आ चुकी है। अब इस टर्निंग का मैं क्या करूँगा, कितना टाइम लगेगा सही होने में आइडिया नहीं है, बट टर्निंग तो है, बुरी वाली टर्निंग है। बट खैर ये तो पार्ट ऑफ ट्रैवल। एंड तो चलें बाहर। ये है लगेज का एरिया है, ये मेरा वार्डरोब है, ये टी केटल एंड ऑल, ये मिरर, एंड ये है मेरा बेड। अगले 2 दिन के लिए हम यहीं पे फैल के सोएंगे, मज़े करेंगे। और छोटा सा फ़ैन है जो पिछले होटल में नहीं था, और फ़ैन की ज़रूरत दिन में रहती है, रात को बहुत ठंड होती है, बट दिन में ज़रूर फ़ैन की बहुत ज़रूरत रहती है। एंड ये है हमारा लाउंज, ये है टीवी, तो लाउंज पे बैठ के टीवी का मज़ा लिया जाएगा। ये मेरा वर्क स्टेशन, और ये है बाहर का नज़ारा। वहाँ पे अगर आप देख सकते हैं वहाँ वो शांति स्तूपा है, एंड बाहर से हमें लेह पैलेस दिख रहा था, बट वो यहाँ नहीं दिख रहा है। तो गाइस ये था हमारा छोटा सा रूम अगले 2 दिन के लिए। तो हम बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो गई है, नींद भी ख़राब हुई बहुत जगह पे, और अब टाइम आया है मेरा सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करने का, सोने का, मजे लेने का। तो गाइस सी यू व्हेन डिनर टाइम। बट मैं आज कहीं जा नहीं रहा हूँ, तो मैं आपको क्या मिलूँ, तो कब मिलूँ फिर? मॉर्निंग में, मॉर्निंग, हाँ ठीक है, फिर मॉर्निंग में मिलते हैं। तो मॉर्निंग में कुछ अच्छे शॉट्स लेने मुझे इधर उधर के, और फिर अपना ले कवर करना बाकी है अभी, क्योंकि ले पहले शांति स्तूपा और भी कुछ शायद वो भी बाकी है, और एक और जगह मैं वापस जाने वाला हूँ क्योंकि मेरे कुछ शॉट्स ले गए थे वहाँ के। तो गाइस आपसे मिलता हूँ फिर मैं मॉर्निंग में, क्योंकि अभी मैं पूरी तरह से यहाँ पे रेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ भी हो ईस्ट और वेस्ट। हे गाइस व्हाट्स अप, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, एंड टुडे इज़ आवर लास्ट डे इन लेह। टुमारो मैं वापस अपने घर चला जाऊँगा, तो आज घूमने के लिए आज लास्ट डे है। आज मैं सोच रहा हूँ कि मतलब जैसे मॉर्निंग मेरी बिल्कुल फ्री है, कोई काम नहीं है आज करने को, और शाम को मैं जाऊँगा शांति स्तूपा एंड ले पैलेस। सो आई विल सी यू देयर। हे गाइस, सो मैं अब आ गया हूँ शांति स्तूपा। हे गाइस, सो मैं पहुंच गया हूँ ले पैलेस, बट द बैड न्यूज़ है कि ये लोग अभी अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं करते हैं। फोटोग्राफी फिर भी अलाउड है, कोई बात नहीं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए और ले पैलेस के फ़ोटोज़ का मज़ा उठाइए। वीडियोग्राफी सो अंकल दिखा दिया मैंने, अंकल दिखा दिया बिल्कुल। तो अंकल बोल रहे हैं कि सब दिखाओ इनको, आपके व्यूअर्स को। मैंने कहा दिखा दिया। बाहर से ये लुक है अच्छा सा, एंड फिर अंदर मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको, व्हाट टू डू। फ्रॉम द ले पैलेस, एंड अब मैं अपने होटल में आ चुका हूँ। एंड ले पैलेस का अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। ले पैलेस का जो एक्सपीरियंस आया मेरा वो ये कि मतलब मुझे समझ नहीं आया कि वीडियोग्राफी क्यों नहीं अलाउड है, क्योंकि एक पैलेस ही तो है, कोई मोनेस्ट्री या कोई टेम्पल तो है नहीं कि आप वीडियोग्राफी अलाउड नहीं करें। फोटोग्राफी अलाउड थी, बट वीडियोग्राफी के लिए उन्होंने मना कर दिया। मुझे कोई सेंस नहीं लगा इस चीज़ का, बट ठीक है, वो अपना अपना इन सब के रूल्स होते हैं। बाकी हमारी जर्नी यहीं पर ख़त्म होती है। आज ये लास्ट लोकेशन थी, ये भी कंप्लीट हो गई। तो इसी के साथ हमारा ले स्टोरी कंप्लीट्स इसका दी एंड होता है। तो ठीक है, बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस ले का, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस था। एंड कल सुबह की मेरी फ़्लाइट है 8:39 की, तो बस सुबह के लिए अब मैं प्रिपरेशन करूँगा अपना सामान वापस जमाने का। हे गाइस गुड मॉर्निंग, आज मैं निकल रहा हूँ। अभी मॉर्निंग में 9:30 बजे की मेरी फ्लाइट है, 7:30 बज चुके हैं। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, बट जाना तो पड़ता ही है, क्योंकि फिर हमें नेक्स्ट एडवेंचर पे भी तो जाना है। सो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट एडवेंचर पे। दिस इज जय बाकलिवाल साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।